जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। कोरोना पीड़ितों के परिजन उपलब्ध न होने पर राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ता कर रहे हैं विधिवत अंतिम संस्कार। बुलंदशहर वर्तमान में कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान किसी की कोविड से मृत्यु होने पर जहां परिवार और रिश्तेदार भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे में सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के सेवाभावी कार्यकर्ता पूर्ण सुरक्षा व सावधानी के साथ पीपीआई किट पहनकर कोरोना पीड़ितों का विधिवत अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज बुलंदशहर के मोतीबाग डिप्टीगंज क्षेत्र के निवासी दिनेश चंद्र गोविल की आज सुबह 80 वर्ष की आयु में कोविड से जूझते हुए मृत्यु हो गई थी। परिवार में 3 बेटियां हैं, एक अहमदाबाद, दूसरी लखनऊ और तीसरी तलाकशुदा। बेटी उनके साथ घर पर देखभाल करती थी। ज्यादा दूरी के कारण बेटियों का आना संभव नहीं हो पाया और आसपास व शहर के सभी रिश्तेदारों को सूचना के बावजूद जब कोई नहीं पहुंचा तो दिनेश चंद्र गोविल की बेटी पूजा गोविल ने कोरोना काल में विभिन्न सेवा कार्यों में लगे राष्ट्रीय चेतना मिशन संस्था के अध्यक्ष हेमंत सिंह से संपर्क कर अपनी समस्या व्यक्त की। कुछ ही देर बाद ही हेमंत अपनी सभी संस्था के साथियों के साथ उनके घर पहुंचे। परिवार के परिचित व भाजपा के मंडल अध्यक्ष गौरव मित्तल भी पहुंचे और एम्बुलेंस को बुलवाया गया। सभी ने पीपीआई किट, मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने आदि पहनकर पूर्ण सुरक्षा व सावधानी के साथ घर के अंदर जाकर श्री गोविंद के शव को घर से बाहर निकाला और एम्बुलेंस में रखवा कर भूतेश्वर शमशान घाट पहुंचे। मेरा नाम हेमंत सिंह है। हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के माध्यम से इस कोरोना के संकट काल में हम लोग बहुत प्रकार से लोगों की सेवा सहायता कर रहे हैं। जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं या होम आइसोलेशन में हैं, उनके घर सुबह शाम भोजन पहुंचा रहे हैं और जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर मृत्यु हो जा रही है, जिनके कोई भी परिजन या रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे बुलंदशहर के बहुत से लोगों का हम लोग अपनी टीम के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा और सावधानी के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आज भी यहाँ बुलंदशहर के मोतीबाग क्षेत्र में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग श्री डीसी गोवल जी की मृत्यु हो जाने के बाद में उनके परिजन कोई भी मौजूद नहीं था। हमारी टीम के सभी साथियों ने पीपी किट और पूर्ण सुरक्षा के साथ में भूतेश्वर शमशान घाट पर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया।